बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 24 तारीख को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गूंज देश भर में सुनाई दी और इसको लेकर सरकारी स्तर पर हर जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ये हम आपको पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां समाज कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बेटियों को जागरूक करने की कोशिश हुई। सरकारी योजनाएं जो उनके लिए चलाई जा रही है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी पटना के साथ ही मधुबनी की भी हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहां पिंक वैकाथॉन रैली निकाली गई। रैली के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया। लड़कियों के अलावा लड़के, सरकारी पदाधिकारी और राजनीतिक दल के लोगों ने भी इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य बेटा बेटी में भेद को दूर करना रहा। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और गुब्बारे भी उड़ाए गए। आज बेटियों ने साबित कर दिया है कि वो किसी मामले में बेटों से पीछे नहीं हैं। देश की सुरक्षा का सवाल हो या फिर अंतरिक्ष का, बेटियों ने अपना दमखम हर मोर्चे पर साबित किया है। तो इस पर एक बार फिर पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज जी, आधी आबादी को उनका उचित सम्मान देने को लेकर उनके लिए तमाम योजनाओं को धरातल पर लागू करके और सबसे बड़ी बात 50% पंचायती राज व्यवस्था में आधी आबादी को रिजर्वेशन देकर मौजूदा सरकार ये दावा तो कर रही है कि वो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और महिला के हित और हक के लिए सबसे मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन धरातल पर जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की प्रतिक्रिया आई आज के दिन के आयोजनों को लेकर। देखिए दीपक जी, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है। जी, आज ही के दिन 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली थी और इसी दिन को लेकर के राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जी, सरकार तो बहुत प्रयास करती रहती है कि जो अपने देश में महिला और पुरुष का जो अनुपात है वो बैलेंस रहे, लेकिन अभी भी 1,000 पुरुष पर 924 का भी आंकड़ा भी चल रहा है। जो जिस तरह से समाज में कुरीति है, बाल विवाह का है, अगर जो गर्भ में अगर बालिका जो बच्ची अगर हो रही है तो उसको भी मार देने की जो प्रथा रही है, इस सबसे सरकार जो है इसे बचने के लिए तरह तरह के कानून बनाए हैं। बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए जब से नीतीश की सरकार बिहार में बनी है तब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत तरह के जो कानून है वो कानून बने हैं, बहुत सारी योजनाएं लागू हुई हैं। बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि या कपड़ा, साइकिल सबकी जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। लेकिन जिस तरह से समाज में अभी पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं के साथ में यहाँ पर गैंगरेप हो रहा है, रेप हो रहा है, प्रताड़ना की शिकार हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकारी योजनाओं पर, सरकार की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि माने ये जो है जो अपराध की जो गतिविधियां हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, सरकार भी चिंतित है। विपक्षी साफ तौर पे यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि सरकार का जो योजना है वो फेल है। आज जिस तरह से अधिवेशन भवन में जो कार्यक्रम हुआ है, सुशील मोदी ने वहां पर खुल करके बोला है कि ये बिहार ही ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पर पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, पंचायती राज चुनाव में ये आरक्षण दिया गया है, या हर एक फील्ड में अनाउंस किया गया है कि हर एक फील्ड में महिलाओं को ये आरक्षण यहाँ पर दी जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो बिहार में, खासकर बिहार में नीतीश सरकार खासा चिंतित है महिलाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं के उत्थान के लिए योजनाएं बहुत यहाँ पर क्रियान्वित किया गया है।
लेकिन अब ये देखना ये होगा कि आने वाले समय में भी सारी योजनाएं धरातल पर उतर पाती हैं कि नहीं। हालांकि करप्शन बिल्कुल वो तो देखना स्वाभाविक है कि योजनाओं का कितना लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है और इस मसले में बेटियों तक पहुंच पा रहा है। लेकिन इस तरह के आयोजन इतना तो जरूर करते हैं कि एक जागरूकता का संचार होता है लोगों को सरकारी योजनाओं का, सरकार के कामकाज का, बेटियों के लिए जो हितकारी प्रयास हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है और इसका लाभ भी लेने को वो तत्पर होते हैं।